हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन इन्वर्टिंग एडर के बारे में और इससे जो रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं डिजाइनिंग के, वो किस तरह से होते हैं उसके बारे में, जैसा कि हमने इन्वर्टिंग एडर में पढ़ा था। तो अगर आपने इन्वर्टिंग एडर समझ आ गया है तो नॉन इन्वर्टिंग एडर भी आपका सिमिलरली वही है, बस जो सप्लाई चेंजेस हो जाती है। तो नॉन इन्वर्टिंग एडर मीन्स की सप्लाई दी जाएगी आपके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे और जो विद रिस्पेक्ट टू जो इसके नेक्स्ट टर्मिनल होगा वो ग्राउंड हो जाएगा। मींस कि इन्वर्टिंग तो टर्मिनल ग्राउंड हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग पे आपको सप्लाई दी जाएगी। एडर मींस मोर देन वन सप्लाई। तो इसमें हमने एग्जांपल के लिए उसमें तीन सप्लाई ली थी समझाने के लिए इन्वर्टिंग एडर को, बट नॉन इन्वर्टिंग एडर को समझाने के लिए मैं आपको दो सप्लाई लेके बता रहा हूँ। तीन होगी तो वही आपको एड होते चले आते हैं, आप समझ जाओगे अभी। तो इसमें क्या करते हैं हम, और हाँ इसमें एक मैं आपको मेन चीज बता दूं, जो हमें वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन पता है कि जो आपका वी पॉजिटिव होता है वी नेगेटिव होता है, ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ और इसमें भी बता देता हूँ कि अगर आपको ये नहीं पता है क्यों होती है तो आप हमारी सेकंड वीडियो जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ओप एम्प उसमें जाके देख सकते हैं। जो आपका थर्ड पॉइंट था वो यही था। तो इसमें अगर मैं आपको मेन बात बताऊं कि अगर यहाँ पर ढंग से समझना, अगर ये यहाँ पर सेकंड रेजिस्टेंस गिवन नहीं होता, ये वाला रेजिस्टेंस गिवन नहीं होता, तो जो वी वन है तो अंदर तो कोई करंट होता ही नहीं है। आइडियल ओप एम्प के अंदर हम जो कंसिडर करते हैं कि अंदर नो इनपुट करंट जो होता है जीरो होता है इसके अंदर, आइडियल ओप एम्प के अंदर। तो इधर की जो सप्लाई है वी इन वाय वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन की वजह से जो वी वन है वही ये वोल्टेज हो जाती थी वी वन। जितने भी अभी हमने इन्वर्टिंग कॉन्फिगरेशन नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फिगरेशन पढ़े थे उसमें जो ये सप्लाई लेते थे वही ये हो जाती थी। बट एडर के केस में क्या होता है, अगर दो से ज्यादा सप्लाई है, ये V2 मान लिया हमने, तो ये जो V1 V2 है ना, तो हमें ये जो सप्लाई होगी ये होगी, ना कि V1 सप्लाई हो जाएगी ये बाय वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन की वजह से। मींस कि दो सप्लाई आ रही है, जो इनका नेट आएगा जो ये इस पॉइंट पे जो आएगी वो सप्लाई बाय वर्चुअल ग्राउंड की वजह से ये होगी। कंसिडर के लिए हमने मान लिया यहाँ इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वी है, और इस रेजिस्टेंस को भी हमने R कंसीडर करा है, इसे भी हमने R ही कंसीडर करा है। मींस कि इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने सेम कंसीडर करी है नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन नॉन इन्वर्टिंग एडर को सॉल्व करने के लिए। और एक रेजिस्टेंस सॉरी यहाँ पे लगाना भूल गए, एक रेजिस्टेंस इसे यहाँ पर है R1 कंसीडर कर सकते हो आप इसको। तो आप जब ये V फाइंड करोगे पहले, अगर तीन रेजिस्टेंस होंगे तो तीन होगा और दो है तो दो से ही हो जाएगा। तो दो रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें हम कंसीडर करते हैं आई वन, इसमें कंसीडर करते हैं I2 और इसमें कंसीडर कर लेते हैं I3। I3 थ्री मीन्स की जीरो, मैंने क्या बताया था कि अंदर जो ओपेम के अंदर जो करंट होता है वो जीरो होता है, तो I3 तो हमने जीरो कंसीडर कर लिया, तो मैं इसको डायरेक्ट जीरो लिख सकता हूँ इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें जो करंट जाएगा वो जीरो जाएगा, ये भी हम मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हमारे जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं ओपेम की, वो आप हमारी वीडियो देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ओपेम, तो आपको जितनी भी ये वीडियोस हैं वो समझ आ जाएंगी, क्योंकि आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पांच कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आपको याद ही रखनी होगी। तो ये तो होती है आपकी वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, इस नोड को हमने मान लिया नोड वन और इस पे लगाते हैं केसीएल, केसीएल एट नोड वन। केसीएल क्या कहता है, इनकमिंग करंट आई वन प्लस आई टू इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट कितना हो जाएगा, जीरो। मींस जब हमने आई थ्री लिया था इसके अंदर तो कोई करंट ड्रॉप ही नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस इसका हम इनफाइनाइट लेते हैं जिसकी वजह से जो करंट आता है वो जीरो हो जाता है इसके अंदर, क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो I जो होगा वो जीरो हो जाएगा, कि इसके नीचे एनी वैल्यू डिवाइड बाई इनफाइनाइट जीरो। तो आई वन निकालेंगे, आई वन के लिए हो जाएगा आपका वी वन माइनस वी अपॉन आर इज प्लस V2 माइनस V अपॉन R इज इक्वल्स टू जीरो। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 अपॉन टू। ये आपकी ये V जो V वोल्टेज आई थी, तो वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन से अगर ये V है तो ये भी V हो जाएगा। इसको हमने सेकंड नोड कंसीडर कर लेते हैं, अप्लाइंग KCL एट नोड टू। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका जीरो माइनस वी अपॉन आर वन इज इक्वल्स टू आर एफ सॉरी वी माइनस वी नॉट अपॉन आर एफ।
और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो आपकी वी नॉट की वैल्यू निकल के आती है वो आती है आपकी, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो वी नॉट आएगा वी नॉट इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू अपॉन टू मल्टीप्लाई में वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे वी नॉट की वैल्यू, तो ये होती है आपकी इक्वेशन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एडर। और सिमिलरली आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी, डिजाइनिंग ऑफ एन एडर के लिए भी यही, जैसे आप मैंने आपको इन्वर्टिंग एडर में बताया था, ये इक्वेशन को आपको सॉल्व यूज करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्वेशन होती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको ये जो वी नॉट गिवन है, आपको वी नॉट इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, तो जो आपकी वी नॉट की वैल्यू आएगी, आपको वी नॉट इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू अपॉन आर वन प्लस आर एफ अपॉन आर वन, ये आपको कंसिडर करना, सॉरी ये आर नहीं है ये टू है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, जब आप v की वैल्यू का इसमें डाल देंगे v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अपॉन 2, तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। तो इसमें हमको rf और r1 की कुछ इस तरह से वैल्यू लेट करनी होती है कि ये बन जाए। तो हम कंसीडर करते हैं rf इक्वल्स टू 2r1, तो जब आप इसको इसमें पुट करेंगे तो v0 इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अपॉन 2 1 प्लस 2r1 अपॉन r1। इसमें इस केस में आपको तीन इनपुट दे रखे हैं, मैंने आपको दो के लिए समझाया था, तो तीन प्लस वी थ्री अपॉन थ्री हो जाएगा ये, तो ये भी वी थ्री हो जाएगा, यहाँ पे वी थ्री आ जाएगा, इससे ये कटेगा, थ्री से थ्री कट जाएगा, तो वी नॉट इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ये होती है आपकी आउटपुट इक्वेशन जो आपको गिवन था, आपने वही प्रूफ कर दिया। अब आपको डिजाइनिंग के लिए सेम ये सर्किट बनाना है, और जो आपने लेट कंसिडर कराया है ये, मतलब आर एफ की वैल्यू इतनी है और आर वन की वैल्यू इतनी, वो आपको बस शो कर देनी है इसमें। तो यही है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।